नमस्कार। पार्ट वन आप देख सकते हैं, पार्ट टू में चलते हैं। 26वां प्रश्न है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को दी गई थी। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो नेहरू जी थे। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया? तो बंगाल में। 29वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ और महत्वपूर्ण अस्थाई अवयव नहीं था? तो देश के लिए लिखित संविधान, ये चीज़। इसके बाद भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 23 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? नेहरू जी ने। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? 1950। 1946 के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में सरकार बनाई थी? तो बंगाल में। तो निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत के स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो गांधी जी की ये योजना थी। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में भी, या दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया गया है? तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे एक और दोनों ही सही है। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत का संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलियाँ हैं। राष्ट्रीय ध्वज का चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। तो यहाँ केवल एक ही सही होगा, ठीक ना, पहला ही सही होगा, ठीक ना। तिलियाँ 24 हैं और जो अनुपात है 2:3 है। अब यहाँ देखेंगे 40वां। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कथन है। कारण है, इसको एक गृहित संविधान कहा गया है। तो यहाँ दोनों सत्य है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। 41वां है कि बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो लगभग 6 अन्य सदस्य। यहाँ देखेंगे कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? अंबेडकर जी थे। 1935 के अधिनियम द्वारा भारतीय संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल जी को दिया गया था। संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव जी थे। भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? पटेल जी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर जी। किस वर्ष में भारत जनगणमन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 1950 में। संविधान पांडुलेखन निम्न समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? नेहरू जी नहीं थे, बाकी सादुल्लाह अय्यर और के एम मुंशी जी थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। अब यहाँ पे देखेंगे कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950। संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी से। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा यानी म्यांमार वर्तमान का भारत को अलग कर दिया गया था? तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के द्वारा बर्मा को अलग किया गया था। भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? नेहरू जी द्वारा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन, ठीक ना, अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? राधाकृष्णन जी। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? उपयुक्त में से कोई नहीं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाह बी एन राव जी थे। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? अम्बेडकर जी थे। निम्नलिखित में से संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो पहला और तीसरा यहाँ पे होंगे गोपाला स्वामी जी और तीसरा अय्यर जी।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस की और कांग्रेस भारत का था? ये ऑस्टिन है। भारतीय संविधान, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांत के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन ये है कि सार्वभौमिक वयस्क निर्वाचन के आधार पर हुआ था, ये गलत कथन है। अब यहाँ पे सूची है तो सूची के लिए इधर चलेंगे। यहाँ देखिए, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, तो ए का है चौथा यानी H.C. मुखर्जी संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे। बी का है तीसरा, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य K.M. मुंशी जी थे। सी का है पहला, V.D.कृष्णाचारी जो थे राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, और डी का है दूसरा, संविधान संघ संविधान समिति के अध्यक्ष नेहरू जी थे। अब यहाँ पे 70 के बाद 71, रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त हुई थी? तो ये भारत पाकिस्तान की बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 12। अब यहाँ पे संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ? 14 नवंबर 1949। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो कल इस टॉपिक से बनाएंगे।